बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप खैर व आफ़ियत से होंगे। हमारा पिछला व्लॉग जिसमें हमने सऊदी अरब में एग्रीकल्चर के मतलब बात की थी और स्पेशली हमारा फोकस प्याज पे था, तो इसमें आपने जो इंटरेस्ट शो किया है वो ज़बरदस्त था। तो हमारा आज का व्लॉग जो है ये सऊदीया में एग्रीकल्चर के मतलब ही है और इसमें हम आलू के मुतालिक बात करेंगे कि उसका तरीका कार क्या है। एग्जैक्टली जैसे प्याज का था वैसा ही इसके मुतालिक भी तफसील से आपको बताएंगे। तो मौसम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है जी, आज सर्दी का मौसम है लेकिन इतनी सर्दी नहीं है और बारिश के इम्कान भी हैं। अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी शायद चल रही है, तो अभी निकलते हैं, ये रियाद से बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि जितने एग्रीकल्चर फार्म वगैरह ये बाहर ही हैं। तो अभी निकलते हैं इंशाल्लाह और आप हमारे साथ रहिए, उधर जाके हम खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलिए अभी हम फार्म में पहुंच चुके हैं और इधर का मौसम तो बहुत अच्छा है। रियाद में बारिश के काफ़ी इम्कान थे लेकिन इधर धूप निकली हुई है और काम करने के लिए बहुत ज़बरदस्त मौसम है। तो चलिए जी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी आलू की फसल के लिए लैंड प्रिपरेशन चल रही है इधर, इसमें हल चलाते हैं, पानी वगैरह देते हैं इसको, फिर हैरो का इस्तेमाल भी करते हैं, पानी वगैरह बार बार देते रहते हैं इसको। और उसका फ़ायदा ये होता है कि जड़ी बूटियां, फालतू जड़ी बूटियां उगाती हैं फसल की बुआई से पहले और उसको तलफ किया जा सकता है। तो अभी अभी जो फेज चल रहा है ये पोल्ट्री मैन्योर जो है वो डाला जा रहा है इधर उसी खेत में, वो उसके लिए एक मैन्योर स्प्रेडर आता है, इसको मैन्योर डिस्पर्सर भी बोलते हैं, तो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है इधर। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्रेन की मदद से वो बैग जो है वो उसके कंटेनर में डाला जाएगा ऐसे ही। तो एक बैग कंटेनर के लिए एक बार उसको फुल करने के लिए काफ़ी होता है। ये आलू का बीज है, ये पिछले 3 माह से एक कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ था, तो अभी माशाल्लाह से ये स्प्राउटिंग पे आ गया है। मतलब आप देख सकते हैं कि ये फूट रहा है अभी अभी। इसको ट्रक में लोड करके तो फार्म में लेके जाएंगे और फिर आगे इसकी बुआई का आगाज़ होगा जी। अभी 2 ट्रक भर के माशाल्लाह ये आलू का बीज आया है इधर, तो इसको अभी उतार रहे हैं और उसके बाद इसको पोटैटो प्लांटर एक मशीन है उसमें डालेंगे अभी, और इसी के ज़रिए जो है इसको लगाया जाएगा आगे खेत में। तो ये बेड्स भी खुद ही बनाती है ये मशीन, और आलू का जितना डिस्टेंस आपने रखना है एक आलू और दूसरे आलू के दरमियान वो एडजस्ट कर लें, तो उसी हिसाब से जो है ये आगे चलती रहती है। अभी पोटैटो प्लांटर के ज़रिए आलू लगाया जा रहा है, इसका कंटेनर फुल है और ऊपर 4 लोग बैठे हुए हैं और हर शख्स के सामने एक कन्वेयर चल रही होती है जिसमें ट्यूबर कैरियर लगे होते हैं और एक वक्त में एक ही आलू आता है एक कैरियर में, और अगर कोई मिस हो जाता है या कहीं ज़्यादा होता है तो उसको बराबर रखने के लिए ये लोग ऊपर बैठते हैं। तो मशीन जो है ये नीचे 4 बेड्स बनाती है और उसमें जो है वो आलू लग रहे होते हैं, एक मीटर में
पाँच से छः आलू लगाए जाते हैं इधर, और एक हेक्टर में तकरीबन 4.5 टन आलू लगते हैं। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ये लगाए गए सारे आलू उग जाते हैं, और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, और इसके बाद खाद का इस्तेमाल किया जाएगा। मैन्यूर स्प्रेडर के जरिए अभी खाद डाली जा रही है। ये फसल अभी 35 से 40 दिन की है, और पोटैटो प्लांटर के जरिए बनाए गए बेड्स वगैरह अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं पानी के इस्तेमाल की वजह से। तो अभी उन बेड्स को बेहतर बनाने के लिए ट्रैक्टर के ज़रिए मिट्टी को स्कूप अप किया जा रहा है। तकरीबन 65 डेज की है, और सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल लगातार होता है, इसलिए ये बेड्स वगैरह जो है ये दोबारा ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आलू की फसल के लिए बेड्स का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको सेकंड टाइम स्कूप अप कर रहे हैं, और ये आखिरी बारी है, इसके बाद शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। और ये माशाल्लाह अभी आलू वगैरह इन्होंने निकालना शुरू किया हुआ है इधर, तो चलिए अभी इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरा दिखाते हैं, क्योंकि इसमें ये जो हमारी वीडियो होगी इसमें बहुत से फेजेस ऑलरेडी गुजर चुके हैं, जिसमें इसकी बुआई थी, बाद उसके बाद उसको खाद देना, फिर वो जो बेड्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर दोबारा मिट्टी चढ़ाना, वो तकरीबन 120 दिन का ये सारा प्रोसेस है। तो ये अभी इसका लास्ट स्टेज चल रही है, जिसमें इसको निकाल रहे हैं और फिर ये ज़ाहिर है शहर में भेजते हैं इसको बेचने के लिए। तो अभी वो चल रहा है और दिखाते हैं अभी अभी, अभी हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप? ठीक है, कैसा है? माशाल्लाह अच्छा है पैदावार? अल्लाह के करम में बिल्कुल जबरदस्त है। अच्छा 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 हुआ, आया हुआ है। जी जी, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, सही जा रहा है, मंडी पे भी सही जा रहा है। हाँ, रेट भी सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से राजी है। ये आप देख सकते हैं जी क्या तरीका है निकालने का। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, कह रही थे भाई किस वक्त आते हैं आप काम पे इधर? सुबह सुबह किस वक्त आए इधर काम पे? 2 बजे आए। अच्छा 2 बजे आए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? अच्छा यार, बहुत मुश्किल काम नहीं सर्दी में?
बहुत मुश्किल काम है ना सर्दी में। चलें अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाएं यार आपके लिए। जी भाई माशाल्लाह बहुत मजे में हो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देख लीजिए ये सर्दी का मौसम है, बहुत सर्दी है और बहुत मुश्किल काम है, और माशाल्लाह ये हाजी साहब बहुत मजे में है माशाल्लाह, अभी पूरी चासू च। ये इस साइड पे ये टीम एक लगी हुई है जी, ये अभी पैकिंग कर रहे हैं, तो ये दिखाते हैं आपको, ये अभी ये बैग भरे हुए हैं इधर। इसी तरह ये 15 लोगों पे मुश्तमिल एक टीम है ये, और ये पहले इसको आलू को निकालते हैं, फिर उसके बाद उसकी पैकिंग होती है जो कि अभी ये कर रहे हैं, और उसके बाद गाड़ी आएगी और उसमें लोड करने तक जो है इनके चार्जेस रहते हैं एक बैग के। काफ़ी मुश्किल काम है जी, बहुत शदीद सर्दी है इन दिनों में। ये कुछ देख सकते हैं आप, बैग भरे हुए हैं, लेकिन ये बाहर भी आलू नज़र आ रहा है आपको। ये साइज़ में एक्चुअली छोटा है और इसको दोबारा बीज के तौर पे इस्तेमाल करेंगे ये लोग, और जो बड़ा है मार्केट में चल सकता है वो बैग्स में भर दिया ऑलरेडी इन्होंने, लेकिन ये छोटे पीस जो हैं ये अलग से रखेंगे ये, और बाद में दोबारा आलू उगाने के लिए इसी को बीज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा कैसा है इंताज? अच्छा है माशाल्लाह। जी इंताज जो है ये अरबी लैंग्वेज में पैदावार को बोलते हैं। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इधर आलू के लिए जो बैग यूज़ करते हैं उसका कलर येलो होता है, जबकि प्याज के लिए इस्तेमाल होने वाले बैग जो हैं वो रेड कलर के होते हैं। ये कितने केजी का है ये बैग? 6 केजी है जी, 5 केजी होता है तकरीबन। सही सही। अच्छा जी, जैसा कि आप अभी सामने ये मिनी ट्रक देख रहे हैं, इनमें लोड होके तो मार्केट में सप्लाई के लिए जाता है। यहाँ एक बात काबिले ज़िक्र है कि आलू या प्याज जो है ये 3 साइज़ में पैक किया जाता है, स्मॉल मीडियम और लार्ज में। स्मॉल में जो है वो 2 केजी आता है, और मीडियम में जो है 5 से 6 केजी तक, और लार्ज जो है वो 10 केजी तक होता है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं ये अभी लोड कर रहे हैं, और जैसी डिमांड हो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो पैक करते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं ये लोड होके बाहर आ गया है और ये आलू को जो है पानी से धो रहे हैं। काफ़ी प्रेशर वाला पानी है क्योंकि ये रेत से जब निकालते हैं तो काफ़ी आलू गंदा होता है, जिसकी वजह से इसको धोना पड़ता है। तो अभी ये धो के उसके बाद इसको जो है कवर अप कर देंगे और फिर ये रेडी है मार्केट के लिए। आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगेगा। दुआओं में याद रखिएगा, पी एम आनिल्ला।